बच्चों, मैं और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है पैरेलल कंप्यूटिंग विद कोदा जैसा कि लास्ट वीडियो में आ, मैंने पैरेलल कंप्यूटिंग का अवॉर्ड दिया था विद कोदा ओपन एमपी और एमपीआई। तो आज की वीडियो में हम ओनली कोदा के साथ ही वर्क करेंगे तो पहले मैं आपको हेलो वर्ड का कोड करके दिखाती हूँ और फिर इसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम साइज़ फोर्टी थाउजेंड तक रख लेंगे तो अभी आ, हम एक फाइल बना लेते हैं हेलो कोडा के नाम से और एक्सटेंशन हमने सी यू देनी है ना के सी सी यू मीन्स कोडा कोड। जैसे हम सी लैंग्वेज के कोड को सी uh, एक्सटेंशन से स्टोर करवाते हैं वैसे ही कोडा uh, कोड को सी यू के साथ ये सिंपल सी लैंग्वेज का कोड है जिसकी आउटपुट होगी हेलो कोदा लेकिन हम तो इसको तरीके से रन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने फंक्शन को ग्लोबल करना होगा ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्लोबल है ये एक कर्नल फंक्शन होता है कोदा में और इसको हम रन uh, करने के लिए uh, तीन एंगुलर ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ग्रिड शेप और थ्रेड शेप को डिफाइन करते हैं ग्रिड शेप मीन्स वन टी टू डी थ्री डी डी मीन्स डायमेंशन यहाँ पे मैं आपको टू बाई टू ग्रिड ड्रा करके दिखाती हूँ सो वी हैव दिस टू बाई टू ग्रिड वी हैव ब्लॉक ज़ीरो ज़ीरो ब्लॉक ज़ीरो वन ब्लॉक वन जीरो एंड ब्लॉक वन वन यहाँ पर हर ब्लॉक में अपनी अपनी थ्रेड्स होती हैं एक मिनट uh, मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ थ्रेड ज़ीरो ज़ीरो थ्रेड ज़ीरो वन थ्रेड वन ज़ीरो एंड वन वन जैसा मर्ज़ी आप स्ट्रक्चर रख सकते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है अगर आपको समझ नहीं भी आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आ, मैं आपके लिए थोड़ा सा और मेमोरी को एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर हम वापस अपने कोड की तरफ आते हैं आपने बस इतना याद रखना है कि जी में ग्रिड्स होती हैं और हर ग्रिड में मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक में मल्टीपल थ्रेड्स होती हैं और फिर इन थ्रेड्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करके पेरलिज्म को इनहेंस किया जाता है आपको मेमरी की समझ आई ये नहीं आई आपने मुझे ये कमेंट्स में लाजमी बताना अब हम वापस कोड की तरफ आते हैं uh, मैंने यहां पे वन ब्लॉक और वन थ्रेड कर दिए। अब हम इसको रन करते हैं और सॉरी आउटपुट के लिए हमें एक फंक्शन भी लिखना पड़ेगा डिवाइस सिंक्रोनाइज हेलो खुदा अब हम दो ब्लॉक्स, दो थ्रेड्स करके देखते हैं ये हमें फ़ोर टाइम्स हेलोकूडा प्रिंट करके दे देगा जैसा कि आपको आउटपुट में दिख रहा है हेलोकूडा 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 अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पहले मैं सारा कोड लिख लेती हूँ और फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दूँगी लेकिन अगर आपको सी या फिर सी प्लस प्लस का नॉलेज नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसको समझना क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें नहीं करवाऊंगी बट ये है कि इस वीडियो से आप आ, इतना लर्न कर सकते हैं कि एक पौधा कै, बेसिकली कैसे वर्क करता है ये मैंने सिंपल कोड लिखा है विदाउट कोडा अब मैं कोडा के साथ कोड लिखती हूँ फिर उसके बाद दोनों का कोड एग्जीक्यूशन दिखाऊंगी आपको और आप खुद डिफरेंस को देख सकेंगे अब मैं दोनों फाइल्स का आउटपुट आपको दिखाती हूँ जो कि हमने साइज़ रखा था फोर्टी थाउजेंड हमारे पास जो विदाउट कोडा फाइल है वो टाइम ले रही है एट पॉइंट वन फाइव सेकेंड्स और अब हम कोडा फाइल को रन करके देखते हैं ये हमारे पास टाइम ले रही है फोर पॉइंट फाइव सेकेंड्स ये था डिफरेंस आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ तो ज़रूर सीखा होगा आ, ये एक छोटा सा डेमो था नेक्स्ट वीडियोस में हम इन डिटेल के साथ लर्न करेंगे आ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें